हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर हम लोग वेक्टर थर्ड लेक्चर कवर कर रहे हैं। दो लेक्चर्स हमने काफ़ी अच्छे से डील किया और काफ़ी लोगों का रिस्पांस पॉजिटिव है, लोग नोट्स भी बना रहे हैं। अब थर्ड लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। और पिछले लेक्चर में कुछ बच्चों के कमेंट थे कि एक आधे क्वेश्चन में था कि क्वेश्चन का सोल्यूशन भेज दीजिए इस टाइप का, तो हमने आंसर किया है स्टार्टिंग में। और एडिशन कवर हुआ, एडिशन के साथ में एक क्वेश्चन एम्स का, दो क्वेश्चन सीपीएमटी के लास्ट में सॉल्व किया गया है। एक क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया है, आपको होमवर्क वाला सवाल पूरा लेक्चर ख़त्म होने के बाद में ऑन स्पॉट सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में फ़ोटो क्लिक करके कमेंट करना है। दैट विल बी द होल हार्ड वर्क ऑफ माइन। जितना भी हार्ड वर्क हो रहा है, अगर वो कमेंट मैक्सिमम लोग करते हैं, देन इट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दैट। और रिजल्टेंट का ही आज पूरा का पूरा खेल है, तो बहुत ही आसान है। आई होप यू विल इन्जॉय द लेक्चर एंड यू विल हैव द नोट्स ऑल्सो। तो नोट्स कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, ये बाद में कवर नहीं हो पाएंगे। दैट्स ऑल, सी द वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे लिए अभी शुरुआत में हम लोग कवर करेंगे कुछ पार्ट्स, जैसे कुछ क्वेश्चंस मैंने कल दिए थे, कल मतलब लेक्चर टू में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और क्योंकि कमेंट में काफ़ी लोग, कुछ बच्चे जो सीरियसली काफ़ी देखते वीडियो, वो लोग कमेंट किए थे कि उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या क्वेश्चन नहीं समझ आया है, तो इस टाइप में हम पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था कि ये वेक्टर है ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी, इस तरह से अगर है जिस तरह दिखाया गया है, तो आपको बताना था कि ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का आंसर क्या होगा। बहुत इजी है, जैसे ए और बी को अगर जोड़ना हो तो ए के हेड से बी का टेल ऑलरेडी जुड़ा है, तो आपको इसी तरह से जोड़ना है। तो ए और बी का जो समाएगा इस तरह से आएगा, लेकिन अब हमें इन ए और बी में हमें किसको जोड़ना है, सी को जोड़ना है, तो सी का टेल जोड़ देना है। सी का टेल इसके बी के हेड से जोड़ देंगे और इसको इसी तरह से, अब ऐसे इसकी डायरेक्शन हम चेंज नहीं कर सकते, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में रखना है, और फिर सी के हेड से डी का टेल ऐड कर देंगे, तो कुछ इस तरह से ही जाएगा। अब अगर देखा जाए तो आखिरी वाला तो यही है। अब आखिरी वाले के साथ हमें क्या करना होता, मैंने तुम्हें सिखाया था कि पहले वाले का हेड दूसरे के टेल से जोड़ दो और जो आंसर होगा वो पहले के टेल से आखिरी का हेड होगा। तो ए और बी को अगर मुझे खाली ऐड करना होता तो ये आता आंसर। अगर मुझे ए और कोई बी इस तरह से होता और कोई सी इस तरह से होता, इसको ऐड करना होता तो इस तरह से इसका आंसर आता, पहले के टेल और आखिरी के हेड को जोड़ते। अब यहाँ पहला कौन है, पहला ए है और आखिरी है डी, तो ए और डी के बीच में, तो यहाँ पर पहले का टेल मतलब पहला कौन है, ए है, और आखिरी कौन है, डी है। तो कुछ लोगों को ऐसे समझ नहीं आ रहा था जीरो आंसर कैसे हुआ। सपोज करो कि आखिरी डी इतना बड़ा ही होता तो ऐसे कुछ कहानी होती, ए बी सी और डी यहीं तक अगर आता, तब तो क्या आंसर जीरो के बजाय कुछ और होता, छोटा सा ये आता एडिशन, और ये क्या होता, ये होता ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये पूरा का पूरा कवर कर ले रहा है, इसलिए ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। अब बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि हेक्सागन जो बनाया था, मतलब बेंजीन जो बनाया था, इसका भी आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। ए बी इसी तरह से, सी डी ई एफ। तो इसमें अगर एरो की डायरेक्शन, इसमें एक ट्रिक समझ सकते हैं कि अगर एरो की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है और सब मिल करके एकदम मिल जा रहा है, मतलब एक स्ट्रक्चर बन जा रहा है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर, पहली बात यह है कि क्लोज्ड है, और दूसरा कि एरो की डायरेक्शन
चेंज नहीं हो पा रही, मतलब जो एरो है उसकी डायरेक्शन क्या नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। अगला टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहली बात तो ये है कि इसमें दो वेक्टर को ऐड किया जाता है, मतलब जो लॉ है वो दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका बताता है। और अगर अपने पास में दो वेक्टर्स हैं, जैसे सपोज वेक्टर ए और कोई दूसरा वेक्टर बी है, और इनको हमें जोड़ना है, मतलब इसका आंसर पता करना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। पहली बात तो ये है कि ए और बी को हम स्केलर की तरह जोड़ नहीं सकते, ऐड नहीं कर सकते, वी हैव टू ऐड इट लाइक वेक्टर्स। और वेक्टर को ऐड करने का एक तरीका हमने बताया ग्राफिकल मेथड, और दूसरा मेथड क्या है, पैरेललोग्राम मेथड है। वैसे ट्रायंगल लॉ है लेकिन वो एक ही मतलब बात है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम पैरेललोग्राम मेथड ही पढ़ेंगे। अब यहां पर पैरेललोग्राम मेथड में इस मेथड के अकॉर्डिंग इन दो वेक्टर्स का सम उस पैरेललोग्राम के डायगोनल के बराबर होगा जो इन दोनों साइड्स की हेल्प से बनाया जाएगा, और वो वाला डायगोनल होगा जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या करेगा, पास करेगा। देन आई विल यूज अ स्केल, तो ये इसकी हेल्प से मुझे एक पैरेललोग्राम बनाना है, तो यहाँ इसके पैरेलल एक लाइन बना देते हैं। पैरेलल के साथ साथ पैरेललोग्राम की खास बात ये होगी कि जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये भी होगा, मतलब एग्जैक्ट ए वेक्टर यहाँ बना देना है। और बी के लिए क्या होगा, जितना बड़ा बी है उतना ही बड़ा यहाँ एक साइड बना दिया जाए, देन एक पैरेललोग्राम हो गया। और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, दिस डायगोनल, दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी, मतलब दोनों का एडिशन होगा, और उस दोनों के एडिशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट बोलेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस लॉ। नाउ यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। वैसे याद करने की कोई जरूरत है नहीं, अगर आपको समझ में आ गया यू कैन मेक इट बाय योर ओन। अब कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आ जाते हैं। जैसे अपने पास एक वेक्टर ए था और उसके बाद में एक वेक्टर बी था। वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए, दिस वन वाज वेक्टर ए और दिस वन वाज वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा है। एंगल किस कैसे कहते हैं इसको भी मैं एक बार डिफाइन करूंगा, मतलब ट्रिक बता देंगे, फिर वो एंगल कभी भी निकल जाएगा कैसा भी एंगल हो। तो इसके पैरेलल एक खींचेंगे लॉ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग, जो बी कितना ही बड़ा हो और एक पैरेलल ए कितना बड़ा करते हैं, हेंस वी गेट अ पैरेललोग्राम। और इसका ये वाला डायगोनल, दिस डायगोनल इज द रिजल्टेंट, ये वाला डायगोनल क्या है, रिजल्टेंट है। दिस इज ए, दिस इज बी। अब खास खास बात समझना खाली कि ए का मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड लगा दो को मैं कैपिटल ए खाली बोलूंगा, मतलब टोपी हटा दिए तो खाली क्या बचा, मैग्नीट्यूड। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है बी, ठीक है। उसके बाद में रिजल्टेंट आर, आर वेक्टर मैं बोलता हूं तो इसकी मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ की बात भी करता हूं और किसकी भी बात करता हूं, डायरेक्शन की बात करता हूं, लेकिन मॉड लगा देंगे तो किसकी बात करेंगे, खाली हम लोग आर की बात करेंगे। इज इट क्लियर, ठीक है। देन अब हमें क्या निकालना, हमें आर निकालना है। अब अगर मैं इस पूरे खेल को खाली खाली मैग्नीट्यूड वाइज देखूं तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इसके लेंथ के बराबर है, ठीक है। बी का मैग्नीट्यूड इसके बराबर है और आर का मैग्नीट्यूड इसके बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आर का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। यहां पर आर का मैग्नीट्यूड अगर आपको कैलकुलेट करना है देन इस ट्रायंगल को देखना। अब यहां पर ये आर है, यहां पर मैं डॉट डॉट करके कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूं,
और इसको कंस्ट्रक्शन में इस पार्ट को, इतने पार्ट को मैं एक्स बोल रहा हूं और इतने पार्ट को क्या बोल रहा हूं, वाई बोल रहा हूं, ठीक है। इसका नाम भी आप रख सकते हैं ओ ए बी सी, मतलब वैसे नाम रखा गया खाली डी। अगर ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल ए डी सी में देखा जाए तो हमें ये इसका लेंथ ए सी पता है, बी है, जितना ये होगा उतना ए सी होगा, बी है इसका लेंथ क्या है, बी है। और अगर ये वाला बी के साथ ए एंगल बना रहा है थीटा, तो यहां पर भी एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। देन अगर थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आती है, यू कैन कैलकुलेट एक्स एंड वाई। एक्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री मतलब अगर आपको यहां पर एक्स अननोन है, बी पता है, थीटा, तो बताओ बेस और हाइपोटेन्यूस को कनेक्ट करने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस थीटा। तो दिस इज कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन बी, देन एक्स कितना आएगा, बी कॉस थीटा। और वाई मुझे निकालना है, तो बताओ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को कनेक्ट करने वाला कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो दैट इज साइन थीटा, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इतना तो आता होगा सबको टेंथ के नॉलेज से, नहीं आता यू कैन चेक इन योर नोट्स। तो यहां से वाई कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा बी साइन थीटा, क्लियर है, ओके। अब यहां पर अगर ध्यान से देखूं कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओसीडी में, कौन से ट्रायंगल में ओसीडी में देखूं, तो ओसीडी में ओडी क्या है, ओडी क्या ए प्लस एक्स के बराबर होगा, ए इतना है और एक्स यहां जुड़ जाएगा। और आपको पता ओडी क्या है, ए प्लस एक्स है, और DC या CD कितने के बराबर होगा, हाँ तो CD बराबर Y के हो गया। अपने को क्या चाहिए, अपने को R चाहिए, और R किसके बराबर है, क्या OC के बराबर है। मैंने ट्रायंगल इसलिए बना दिया, कुछ लोग मंद बुद्धि हैं, समझते नहीं है जल्दी। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाया जाए तो OC का स्क्वायर इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, इज इट क्लियर और नॉट, बहुत इजी है। OC की जगह क्या मैं R रख दूं और OD की जगह क्या मैं A प्लस X रख दूंगा, अच्छा इसका स्क्वायर, और CD की जगह क्या मैं Y रख सकता हूं। देन यहां पर क्या R स्क्वायर ए एक्स की जगह क्या रख सकता हूं, बी कॉस थीटा का स्क्वायर, और वाई की जगह रख सकता हूं बी साइन थीटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर जिसको नहीं आता है तुरंत वीडियो बंद कर दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, दिस इज द आंसर। अब यहां पर दिस इज आर स्क्वायर, अब आर कितना होगा, अच्छा एक चीज और बच गया, दिस इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले लूं तो कुछ बनेगा इससे, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आगे इधर बचा टू ए बी कॉस थीटा। अब तुम बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कुछ होता है, दैट इज वन। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस टू ए बी कॉस थीटा, अगर मुझे खाली आर चाहिए देन वी हैव टू टेक रूट ऑफ इट, दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, दैट्स इट। अब अगला पार्ट है डायरेक्शन कैसे निकाला जाए, तो समझना डायरेक्शन की बात समझते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इसका रिजल्टेंट ये कुछ यहाँ पे आता है। अब इसके रिजल्टेंट की अगर हमें डायरेक्शंस बतानी हो तो इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन ऐसे कहेंगे कि ये ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा, हाँ तो इसका रिजल्टेंट अगर ऐसे जा रहा है तो इस रिजल्टेंट को आप ऐसे नहीं कह सकते ये ऐसे जा रहा है, ऐसा कोई मतलब आप लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते और बार बार वहाँ आप जाके बता नहीं सकते। तो इन दैट केस हमें कोई टेक्निकल टर्म चाहिए जो हम कैलकुलेट करके बताएं। अब अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी और इसका रिजल्टेंट यहाँ बीच में आ रहा है दिस वन। अब अगर मैं कहता हूँ कि ये जो रिजल्टेंट है ये ए के साथ जीरो एंगल पर है, तो क्या ये क्लियर हो जाता है कि ये इधर ए की तरफ है? अगर मैं कहता हूँ कि रिजल्टेंट ए के साथ 90 पर है, तो क्या ये क्लियर हो जाता है कि ये यहाँ पर ऐसे 90 होगा? अगर मैं कहता हूँ कि रिजल्टेंट ए के साथ 180 पे, तो ये क्या क्लियर हो जाता है कि ये ऐसे रहेगा? तो क्या मैं ए के साथ एंगल निकाल लूँ तो क्या रिजल्टेंट की डायरेक्शन पता चल जाएगी? बोला अगर एंगल 30 है तो क्या ऐसे कुछ होगा, अगर एंगल 60 है तो कुछ इस तरह से होगा। तो क्या एंगल डायरेक्शन बताने का एक जरिया है, मतलब एंगल की हेल्प से हम लोग क्या बता सकते हैं, डायरेक्शन बता सकते हैं? डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर ए के साथ एंगल निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर ए के साथ एंगल। तो ये है वेक्टर ए के साथ एंगल और इसको कुछ मैं बोलता हूँ अल्फा, वी हैव टू कैलकुलेट दिस अल्फा। अब ये अल्फा डायरेक्ट को कैलकुलेट होगा नहीं, तो एक बात याद रखना, जब भी एंगल की बात आए और आपको डायरेक्शन बताना हो तो इन दैट केस हमेशा हम टेन ट्रिग्नोमेट्रिक अल्फा मतलब टेंजेंट ऑफ अल्फा निकालेंगे या टेन अल्फा निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको टेन अल्फा निकालना है तो सबसे पहली बात है हमें निकालना क्या है, हमें डायरेक्शन निकालने के लिए अल्फा चाहिए और अल्फा के लिए हम लोग निकालेंगे टेन अल्फा। अब टेन अल्फा कहाँ से आता है, तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये रूल रख सकते हैं, जिससे साइन टेन कॉट अगर हमें निकालना है ट्रिग्नोमेट्री लगानी है देन वी नीड अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बना सकते हैं, तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन फिर से वही डायग्राम पुराना जो था उसमें करेंगे। अगर आपको याद हो तो ये एक्स था और ये था वाई, एक्स को मैंने निकाला था बी कॉस थीटा, दिस वॉज बी, और y को मैंने निकाला था b sin थीटा। अगर मुझे x x पता है और y पता है तो मैं अल्फा निकाल सकता हूँ इस ट्रायंगल से, दिस वॉज ओ ए बी सी डी वट एवर, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है पुराने डायग्राम से, फिर भी हमें आता है इतना। तो tan अल्फा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। tan अल्फा होता क्या है, परपेंडिकुलर सी डी अपॉन बेस, बेस मतलब OD। अब CD की वैल्यू कितनी है B sin थीटा और OD की वैल्यू कितनी है A plus B cos थीटा, तो क्या tan अल्फा पता चल जाएगा, विल गेट द tan अल्फा, हियर विल गेट द आंसर। अगर आपको अल्फा निकालना है तो एक रूल है, ये डायरेक्ट tan इनवर्स B sin थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। अब एक सच्चाई वाली बात यह है कि इनवर्स ना तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा पूरे इंटरमीडिएट के सिलेबस में। इनवर्स आप किसी डिजिट का ऐसे नहीं निकाल सकते, कुछ इन जनरल टॉपिक का इनवर्स निकाल सकते हैं, सबका इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो आपको एक डिजाइन करके आंसर देना होगा मैक्सिमम टाइम, मतलब ये आपको डायरेक्शन बताना, तो आप टेन अल्फा नहीं बताएंगे, अल्फा बताएंगे और अल्फा लिखने के लिए टेन इनवर्स लिखेंगे इसको, दैट्स इट। तो पूरा एक बार रिकैप कर लेते हैं, अगर ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये आर वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट आता मतलब मैग्नीट्यूड आता है कितना, ए स्क्वायर ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी स्क्वायर बी का मैग्नीट्यूड प्लस टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी,
एंगल बिटवीन ए एंड बी, और समझना तो ए और बी के बीच में एंगल है, और टेन अल्फा क्या आएगा, टेन अल्फा क्या है, आर का एंगल किसके साथ, ए के साथ में, तो ये डायरेक्शन बताने के लिए यूज करते हैं। इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया था ए प्लस बी कॉस थीटा अपॉन बी साइन थीटा, दैट्स इट। अब एक ट्रिक समझना, ट्रिक समझते हैं कि जब भी एंगल निकालना होता है तो एक गाना गाया जाता है पुराना, दैट इज ये टेल है और ये भी टेल है, तो गाना गाते हैं टेल से टेल मिला, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कौन सा गाना है। तो यहाँ पर इसके टेल से दोनों के टेल को मिला देते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है, दो वेक्टर के बीच में कितना होगा, 90 होगा, बहुत आसान बात है, एंगल कितना होगा 90 होगा। तो अगर रिजल्टेंट वगैरह निकालना है, यू कैन फाइंड द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या होगा इसका, अगर एंगल 90 हो, मतलब स्पेशल केस है, स्पेशल केस नंबर वन, केस नंबर वन, अगर एंगल 90 है, थीटा इक्वल टू 90, तो यू कैन फाइंड आर, क्या आर निकाल सकते हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह कॉस 90, और आपको पता है कॉस 90 इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 इक्वल टू होता है जीरो, और इसकी वैल्यू जीरो रखेंगे तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। देन आर की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज आर। देन आगे आएगा हमारा स्पेशल केस, एक वेक्टर यहां है और दूसरा वेक्टर ऐसे है, दोनों बड़े छोटे हो सकते हैं, दिस इज ए दिस इज बी, तो बताओ एंगल कितना है, तो गाना गाएंगे टेल से टेल मिला मिला दो। तो स्पेशल केसेस में इसके इसके बीच में एंगल कितना है, इसके इसके बीच में एंगल कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, आप फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस जीरो, कॉस जीरो सबको पता है कितना होता है, वन होता है, तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू वन, मतलब टू ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी क्या होता है, रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देन इट विल बी रूट ऑफ, अगर स्क्वायर हट मतलब रूट से हट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी। दिस मीन्स अगर दो वेक्टर्स ए और बी के बीच में एंगल जीरो हो तो उसका रिजल्टेंट डायरेक्ट क्या आ जाता है, ए प्लस बी आ जाता है। अभी फिर एक और लेते हैं हम लोग, अगर एक वेक्टर इस तरह से है ए और वेक्टर बी इस तरह से है तो इनके बीच में एंगल कैसे पता चलेगा, वेक्टर को शिफ्ट करके टेल से टेल मिला देंगे, टेल से टेल मिला तो मिला देंगे तो क्या इसके बीच में एंगल कितना 180 आएगा, तो अगर एंगल 180 आता है देन इन दैट इन दिस केस ए और बी के बीच में एंगल आ गया 180 तो थीटा क्या लेंगे 180। अब आपको कॉस की जरूरत पड़ेगी तो मैं पहले बता देता हूँ कॉस 180 क्या होता है, अगर थोड़ा टेंथ के बच्चे हैं तो आप ऐसे कर सकते हो कॉस 90 प्लस 90, तो क्या ये माइनस साइन 90 हो जाएगा, वही क्वाड्रेंट वाला सिस्टम, तो ये क्या माइनस वन आएगा। अब यहां पर कॉस 180 इक्वल टू कितना आता है माइनस वन, देन वी विल यूज द फॉर्मूला आर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 180, देन कॉस 180 क्या होगा माइनस वन, तो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, दिस इज रूट ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा ए माइनस बी आएगा।
तो दो वेक्टर्स अगर 180 डिग्री पर है या अपोजिट है, अपोजिट ही तो है ये दो एक दूसरे के, एंटी पैरेलल है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आता है, ए माइनस बी आता है। खाली मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, एंगल तो आप निकाल लोगे उसकी हेल्प से, ठीक है। देन दिस इज फॉर द स्पेशल केसेज, तो दो स्पेशल केसेस हमने किया 90 पर है, और फिर किया कि अगर ये जीरो एंगल पर है और 180 एंगल पर है। स्पेशल केसेस कई बार ही क्या होता है, क्वेश्चन में हमें पूरा फॉर्मूला जरूरत नहीं पड़ती है, स्पेशल केस से डायरेक्ट अभी आपको याद रह सकता है, तो ये केसेस याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में अगर कोई भी आता है एंगल आपको पता है तो आप फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। फिजिक्स में जितना कम याद करना हो उतना ज़्यादा बेटर है। आई थिंक यू गेट द पॉइंट। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको क्या करना है, कम से कम यू हैव टू शेयर दिस वीडियो, वीडियोस को शेयर करिए। आपके लिए कुछ फीस नहीं है, कोई भी फीस हम लोग नहीं करते हैं, वर्क करते हैं वीडियोस बनाने में। तो यू कैन डू वन थिंग दैट यू कैन शेयर ऑन योर सोशल प्लेटफॉर्म, अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर शेयर कर सकते हैं इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू गेट समथिंग फ्रॉम द वीडियो। हाँ, ये क्वेश्चन CPMT 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब आसान सा सवाल है। पूछा था इसने कि अगर ए बी सी आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए बी सी आर दिस दिस एंड दिस, मतलब सिंपली इसने ए का मैग्नीट्यूड कितना दे दिया है, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड कितना दे दिया है, मॉड दे दिया इसने 12, बी का मॉड कितना दे दिया है, बी का मॉड दे दिया है 5, सी का मॉड कितना दे दिया है 13 दे दिया है, मतलब सी दे दिया है। और इसने एक चीज़ समझना, क्वेश्चन में बोला कि इसकी मैग्नीट्यूड दे दिया, तो पहली बात तो ये सवाल करते टाइम पे हमें क्वेश्चन को पहले पढ़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए और उसको लिख लो, जिससे अगर नहीं आप लिखते इन दैट केस आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा और उस स्टेटमेंट से क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है वो फिर आपको बार बार। तो ये कुछ बच्चों की गलती क्या होती है, वो पढ़ते रहते हैं क्वेश्चन को, खाली पढ़ने से नहीं होता। क्वेश्चन आप एक लाइन देखिए, उसको उसकी मीनिंग को समझिए और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पकड़िए। जैसे पहला लाइन मैंने पढ़ा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी सी एंड रिस्पेक्टिवली इतना, अब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड दे दिया। अब अगर इस पे ध्यान ना दे के हम आगे बढ़ने लगे, क्या दिया क्या सोचने लगे, तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर पाएंगे। तो जो भी चीज़ निकालना है आप पहले सिस्टमेटिक चलिए। फिर इसने बोला है कि ए और बी को जब जोड़ा जाता है तो सी आता है, तो किसी किसी के दिमाग में ये होगा कि ए मतलब 12 को जोड़ोगे और बी मतलब 5 को जोड़ोगे तो 13 आएगी। ये बिल्कुल गलत बात है, तो आएगा भी नहीं। ए वेक्टर का मतलब ये वेक्टर समेशन हो रहा है, मतलब ए और बी का समेशन क्या है, सी है, मतलब सी वेक्टर इज सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब ये बहुत ही आसान हो गया, सी वेक्टर ए और बी वेक्टर का क्या है, सम है। और अगर सम है इसका मतलब हम लोग को पता है कि वो फॉर्मूले वाली कहानी हो रही है। तो क्या इसने क्या पूछा है, ए और बी के बीच में एंगल पूछा है। वैसे तो बाय गैस लग जाएगा कि सी की जो वैल्यू है, अगर पहले मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से करता हूँ फिर एक हम लोग आइडिया के हेल्प से करेंगे। फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट यानी कि ए और बी का रिजल्टेंट सी है, तो रिजल्टेंट की जगह हम क्या सी लिख सकते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस क्या, कॉस क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। क्या हमें थीटा ही चाहिए, हमने माना कि एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, ये मान लेते हैं। अब यहां पर सी की वैल्यू कितना रख देंगे, 13 रख देंगे, रूट ऑफ ए स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर, प्लस 2ab मतलब ए की जगह क्या रख दें 12 रख दें और बी की जगह क्या रख दें 5 रख दें, कॉस थीटा रख दें। तो यहाँ क्या 13 है और यहाँ पर क्या है, मतलब अगर दोनों साइड कर दिया जाए, यहाँ पर क्या 144 प्लस 25 है, प्लस 2 इंटू 12
इंटू फाइव इंटू कॉस थीटा है। अगर छोटा सा दिमाग आप लगाओ, हल्का सा, तो क्या ये 169 आएगा? और 169 का रूट 13 आता है, इसका मतलब ये और ये इक्वल तभी होंगे जब ये वाला टर्म क्या होगा, जीरो होगा। अगर नहीं समझ में आई, एट केस स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर देंगे तो क्या ये 169 होगा, और ये क्या ये भी 169 है। अरे, और प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 कॉस थीटा है। अब यहाँ क्या ये कट गया, देन 2 इंटू 12 इंटू 5 कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या आया, जीरो आया। अब कौन सा थीटा है जिसके लिए कॉस जीरो होता है, 90 के लिए, तो थीटा बराबर क्या आ गया, 90 आ गया। ये सीबीएमटी का सवाल था, बहुत ही आसान सा सवाल था, यू कैन नोट इट डाउन। अगर आप नोट, वैसे नोट करना सबसे बेस्ट होता है, फिर भी अगर आपको नहीं टाइम मिलता है, इन दैट केस यू कैन टेक स्क्रीन शॉट ऑफ दिस, आई विल सो ऑल द इन वन फ्रेम, आई थिंक यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट। हाँ, तो आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पर सीपीएमटी का बहुत ही पुराना सवाल, 1979 का, 1979 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये लिखा है, वैसे तो बहुत सिंपल है बट फिर भी गलतियाँ काफ़ी लोगों ने की थी। अ पार्टिकल इज साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, एक्टेड बाय टू फोर्सेस इक्वल टू इतना इतना। तो एक पार्टिकल है जिस पर एक साथ दो फोर्सेज लग रहे हैं, कितने कितने का, 4 न्यूटन का और 3 न्यूटन का। अब यहाँ पर एक चीज समझना, द नेट फोर्स कितना होगा, मतलब इसका रिजल्टेंट कितना होगा, ये आपको बताना है। पहली बात तो ये है कि सवाल में ये नहीं दिया है कि एंगल कितना है। अब एंगल अगर यहाँ पर 90 होता तो क्या आंसर आता, आप निकाल सकते हो। तो एक बात बताओ, एक चीज समझना, जो हमने स्पेशल केसेस पढ़े थे उसमें दो केस पढ़ा था, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकता है आंसर, ज़्यादा से ज़्यादा ये आ सकता है कि ए और बी एक साथ हो, तो रिजल्टेंट क्या आता था, क्या ए प्लस बी आता था, और ए और बी के बीच में एंगल 180 हो जाए तो क्या आता था रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट कम से कम आता था, क्योंकि इफेक्ट दोनों अपोजिट हो जाते थे। तो अगर 180 हो जाता तो क्या आर ए माइनस बी आता था। तो पहली बात ये है कि जब एंगल फिक्स नहीं है तो फिक्स नहीं होगा, फिक्स आंसर नहीं होगा, पहली बात तो ये है, मतलब आंसर इसमें से हो ही नहीं सकता। तो वैसे ही गेस लगाना हो तो डी पार्ट अपने आप में करेक्ट हो गया। फिर भी चेक करने के लिए मैक्सिमम क्या हो सकता है, दोनों को जोड़ दो तो क्या 4 + 3 कितना होगा, 7 होगा, और मिनिमम कितना हो सकता था, 4 - 3 क्या 1 हो सकता, तो क्या 1 और 7 के बीच होगा। तो ये बहुत ही आसान सवाल। एक और क्वेश्चन है जो कि आप ट्राई करेंगे और कमेंट में आप कमेंट करेंगे, इसका आंसर मैं चेक करूंगा कितने लोग का सही है, देन आप अपना, इस कमेंट करने का तरीका ये है कि अगर आपके पास मोबाइल सही से है देन आप सॉल्व करिए और सोल्यूशन को आप कमेंट में पेस्ट कर दीजिए। दिस इज़ द बेस्ट वे टू कमेंट द आंसर। ये इस तरह से कमेंट करना थोड़ा सा बेटर होगा, आप भी इंटरेक्टिव हो जाता है तो आपको भी ज़्यादा मज़ा आएगा वीडियोस में। तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और आंसर को क्या करना है, कमेंट करना। ये बहुत ही आसान है, मैं समझा देता हूँ। जैसे अ पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो पहली बात तो ये, कुछ लोग को ईस्ट वेस्ट का नॉलेज नहीं है, तो काफ़ी लोग को है फिर भी कुछ लोग को नहीं है। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज वॉट नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। अगर कोई दिक्कत हो देन यू कैन चेक इट आउट। अब यहां पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर होता है, 12 मीटर होता है किधर, ईस्ट की तरफ। 12 मीटर कितना किधर होता है, ईस्ट की तरफ। फिर 5 मीटर किधर होता है, नॉर्थ की तरफ। तो ईस्ट इधर था तो हमने इधर कर दिया, फिर नॉर्थ ऊपर है तो ऊपर कर दिया, समझना। अब ये देखने में तो आसान है, नॉर्थ क्या है, ऊपर है, तो हमने 5 मीटर नॉर्थ कर दिया। अब इसने फिर बोला है क्या, देन क्या है, 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स। अब 6 मीटर ऊपर की तरफ, अब एक बात समझने वाली है कि अगर
कॉपी में देखा जाए तो वर्टिकली अपवर्ड तो ये है, लेकिन अगर आप अर्थ पे हो तो अर्थ पे तो ये नॉर्थ साउथ होता है ना, ये तो होता है, दिस इज द ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। लेकिन जब हम ऊपर आते हैं तो वर्टिकली अपवर्ड तो ये ऊपर होगा ऐसे लाइक दिस, ऊपर तो ये है, तो वर्टिकली अपवर्ड का सेंस है कि इसके ऐसे ऊपर इस तरह से। अब इन तीनों का आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट। तो पहले एक काम करना, इस दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो ये आएगा, अब इसका और इसका निकालोगे तो कुछ ऐसे आएगा। आई थिंक यू गेट द पॉइंट। और वैसे नहीं समझ में आया देन मैं इसका सोल्यूशन भी सेंड कर दूंगा। तो दिस इज ऑल फॉर टूडे, वी आर वर्किंग हार्ड फॉर यू गाइज। और आपको क्या करना है, ज्यादा नहीं करना है, बस आपको मैक्सिमम, अगर इफ यू थिंक यू गेट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो देन यू कैन डू शेयर ऑन योर सोशल प्लेटफॉर्म, लाइक सब्सक्राइब आप किए ऑलरेडी कर चुके हैं, तो शेयर करना इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग जो अभी नहीं कवर कर पा रहे हैं तो वो भी कवर कर सकते हैं, और हमारा भी उसमें बेनिफिट है कि हम लोग वर्क कर रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्रिसिएट करेंगे, दैट विल बी अ बेटर पार्ट एंड वी विल बी इनकरेज्ड बाय दैट थिंग। ओके देन दिस इज ऑल फॉर टुडे।